जय जिनेन्द्र प्रणाम। देवलोक जिनालय पालितना द्वारा आयोजित श्री 108 पाशनाथ भाव यात्रा के 40वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के एपिसोड में हम श्री कम्बोइया पाशनाथ भगवान के दर्शन करेंगे और उनके इतिहास आदि के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम आज के भाव यात्रा शुरू करें। श्री कम्बोइया पाशनाथ, वर्तमान में श्री कम्बोइया पाशनाथ जी की प्रतिमा शाहपुर मुंबई नासिक हाईवे पर स्थित श्री भुवन भानु मानस मंदिर में विराजित करने में आई हुई है। पद्मासन में विराजते श्री कम्बोइया पाशनाथ के श्वेत वर्णकीय प्रतिमा जी की ऊंचाई 27 इंच और चौड़ाई 23 इंच है। भूतकाल में पाटर नगर के गिया के पाड़े में विराजते यह पार्श्व प्रभु दो अलग अलग नामों से पहचाने जाते थे, श्री कम्बोइया पाशनाथ और गिया पाशनाथ के नाम से पार्श्व प्रभु जी प्रसिद्ध है। गिया पाशनाथ का नाम पाटन के एक घी के व्यापारी की अटूट श्रद्धा बल का सूचक है। वह व्यापारी श्री पार्श्व प्रभु का परम भक्त था। परम श्रद्धा का धारक व्यापारी नित्य पार्श्व प्रभु की पूजा अर्चना करता था। भक्ति के प्रभाव से उसका नसीब उच्च कक्ष का हो गया था। घी के व्यापार में अढ़लक धन का उपार्जन किया था। घी के व्यापार से एकत्रित की हुई संपत्ति में से उसने एक भव्य जिनालय का निर्माण करवाया था। इस जिनालय में उसने अपने आराध्य देव श्री पार्श्व प्रभु जी को विराजमान किया था। यह पार्श्व प्रभु जी को लोग श्री गिया पाशनाथ के नाम से पहचाने लगे थे। पाटन नगर स्थित गिया के पाड़े में दो जिनालय आए हुए हैं। एक जिनालय में श्री शांतिनाथ जी और दूसरे में श्री कम्बोइया गिया पाशनाथ प्रभु जी मूल नायक के पद पर विराजित थे। वर्तमान में दोनों मूल नायक परमात्मा की प्रतिमाएं शाहपुर के मानस मंदिर के आमने सामने बने हुए स्वतंत्र देरीनुमा मंदिरों में विराजमान करने में आई हुई है। संवत 1648 में पूज्य ललित प्रभा सूरी ने पाटन चैत्य परिपाटी की रचना की थी, उसमें श्री कम्बोइया पाशनाथ जी का नाम का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अलावा पाटन के श्री पार्श्व प्रभु जी के लिए बनी हुई अनेक रचनाओं में श्री कम्बोइया पार्श्व प्रभु जी का उल्लेख देखने को मिलता है। आज के एपिसोड में हमने श्री कम्बोइया पाशनाथ भगवान के दर्शन किए और उनके इतिहास आदि के बारे में हमने जानने का प्रयास किया। आप भी श्री कम्बोइया पाशनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए अवश्य पधारेगा और इसी तरह अगले रविवार ठीक सुबह 9:30 बजे हम श्री दिंगड़मल पाशनाथ भगवान के दर्शन करेंगे और उनके इतिहास आदि के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा और आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। जिनाज्ञाव्रत कुछ भी कहा हो तो इच्छामि दुक्कड़म। શબ્દો આસર્યા રે પાર્શ્વ મીઠા છે પ્રભુ, પાર્શ્વ મીઠા છે, પાર્શ્વ મીઠા છે પ્રભુ, પાર્શ્વ મીઠા